स्वास्थ्य का कर ध्यान चला बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर। इस समय न तो भविष्य की चिंता होती है और न ही जुड़ी होती है अतीत की कड़वी यादें। ये दौर तो उत्साह, उमंग और रोमांच का होता है। कल्पना के रथ पर सवार होकर बच्चे अनंत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। वो बंधनों से परे अपनी ही दुनिया में स्वच्छंद और स्वतंत्र होते हैं। इन तमाम उत्कृष्टताओं को समेटे बचपन की चंचलता अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों के अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। भारत में तो आंकड़े इस दिशा में बदरंग तस्वीर पेश कर रहे हैं। यहां गंदगी, खुले में शौच और प्रदूषित पानी पीने से 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 21 लाख बच्चे हर वर्ष अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ये आंकड़े उस कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू करवा रहे हैं जिसे बचपन की मासूमियत और उनकी मीठी मुस्कान के आगे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों से बचपन को बचाने के लिए यूं तो कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बना चुकी संस्था यूनिसेफ की कोशिशों की बात ही कुछ और है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, इन्हें जैसे ढाला जाए ये वैसा ही बन जाते हैं। इसी बात को समझते हुए यूनिसेफ ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर समाज को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की कोशिश के तहत एक नई पहल की और इस दिशा में बनाया टीम स्वच्छ। The Team Swatch is an initiative that was started between UNICEF and an organization, Wash United. And it's really an initiative to start a movement to make sure that everybody in India has access to a toilet and uses a toilet. So it's really to help the sanitation situation in India to improve as part of the Swachh Bharat mission of the Prime Minister's program as well. So Team Swatch is really calling upon everybody in India to become a team member. You can do that through online, but also by doing activities within your communities, within your schools, districts, states. भारत में एक तरफ संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान प्रगति पर है, तो वहीं कई और व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के सहारे इसे और गति देने की कोशिश की जा रही है। यूनिसेफ ने भी इस दिशा में अनूठी पहल करते हुए अभियान को क्रिकेट से जोड़ दिया। विश्व 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले आईसीसी ट्रॉफी टूर कार्यक्रम के दौरान इस प्रयास के कई सकारात्मक पहलू नजर आए। स्वच्छता अभियान में क्रिकेट को शामिल करना वाकई रोचक है। We were starting to look at Team Swatch as an initiative and thought sports would be a really good platform. And at that time, ICC and UNICEF globally came together in a partnership for Cricket for Good. And we knew that the T20 World Cup would be played in India. So all of that, bringing that together for us felt the right moment to do this. Cricket is the most popular sport in India. It brings everybody out on the streets to watch, to play, to be part of it. So if there's anything where we want to start a movement, we thought the popularity of cricket would really help. The other piece of aligning stars was the fact that Sachin Tendulkar has been a very strong supporter of UNICEF and all the issues for children in the country for years. And he's now the regional ambassador as well on sanitation for UNICEF. So having him to lead Team Swatch couldn't have been a better start for us. इस पूरे कार्यक्रम में जहां क्रिकेट सितारों का आकर्षण खास रहा, वहीं हर एक जगह बच्चों की भागीदारी भी बेहद अहम रही। आयोजन स्थल के आसपास के इलाकों के रहने वाले ये वैसे बच्चे हैं जिन्हें यूनिसेफ ने
प्रशिक्षण देकर स्वच्छता दूत बनाने की पहल की है। So as you know, UNICEF works in many states in the country supporting the government programs. And through that we do a lot of work with different adolescent groups, children groups, school programs. So whenever there would be either WASH clinics with the 8-City Trophy Tour or with the World Cup, we would look at organizations that we've worked with and have children to come and be the ambassadors, to say, for sanitation. बड़े और ऐतिहासिक स्टेडियमों में होने वाले इस तरह के कार्यक्रम को देखकर एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, लेकिन इन सब के बीच वॉश क्लिनिक्स की सार्थक उपयोगिता भी देखने को मिली। So wash clinics are really clinics where we combine the fun of cricket, the popularity of cricketers, and children being really strong change agents when it comes to issues like sanitation and hygiene. So we're bringing children together at every place where the teams are playing. ICC World Tour Trophy का कारवां जैसे जैसे एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा, वैसे वैसे भारत के अलग अलग शहरों और उसके आस पास के गांवों की चुनौतियों से भी नए सिरे से दो चार होने का अवसर मिला। गंदगी से जुड़ी ये परेशानियां हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं। We see in India that in the rural areas, the access and use of toilets is even lower than in the urban areas. Urban areas have their own challenges as well and need to be worked on. But we know that if we want to make a big difference and making sure that the current 564 million people who do not have access to toilets and actually defecate in the open, to make a change there, we need to focus very much on the rural areas. चुनौतियां कितनी ही गंभीर क्यों न हों, उन्हें क्रिकेट के बेहतरीन शॉट्स की तरह ही अपने इलाकों से दूर भगाना होता है। इसके लिए माध्यम बन रहे हैं बच्चे। बच्चों को सबसे पहले अलग अलग स्तर पर स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। It's a real combination of fun, games, cricket-based games as much as possible, and them becoming the voice for change. So we have an action toolkit that has been developed and can be distributed to all the schools that has a whole set of games that children probably know, but this time around we've changed them to be focusing on issues around sanitation and hygiene. So they're going to be encouraged to play these games, to bring other friends along and impart the messages of the importance of sanitation and hygiene. We would like then, of course, to see for them to take action in their schools in making sure that there are toilets for boys and girls in every school, that they're being maintained, that they're clean, as well as that there is a very good attention for hand washing before the midday school meal, for example. But beyond the school, we also really hope they take these messages back home and try to encourage their communities, their parents, to make sure there is a toilet, there is the practice of hand washing as well, and everybody joins around that. इन भारतीय स्टार क्रिकेटरों को तो आपने मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते खूब देखा होगा, लेकिन यहाँ ये बल्ले से जो शॉट खेल रहे हैं उसका मकसद गंदगी को दूर भगाना है। यहाँ इसे नाम दिया गया है हिट जर्म्स फॉर सिक्स। Hit Germs for Six is one of the cricket-based games that will be available. And again, it's nothing different from a game that people have seen before. Basically, you have a cricket bat, you try to hit the goal that you need to hit, right? But this time around, because of the messaging they see, you get a conversation because you're actually trying to hit the germs. You see that your goal is actually the latrine itself. So just by the visuals, the kids will start to question, they will start a conversation. So a lot of the games will be about starting a conversation, starting to understand why it's important to use a toilet, to wash your hands, and to talk about sanitation and hygiene in your environment. अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने नजदीक पाकर
बच्चों का उत्साह और भी बढ़ा हुआ नजर आया। क्रिकेट के अलावा इन्होंने अपने आइकॉन खिलाड़ियों से स्वच्छता की अहमियत के गुर भी सीखे। बच्चों का हाथों की सफाई के प्रति उत्साह शानदार था। So hand washing is a key tool to use also in school to improve sanitation and hygiene and really make that a habit that becomes a habit for every child but also for every household to make that happen. It's of course very easy to link that to an organized practice like the midday school meals if we can really make sure that hand washing becomes something that children get used to. It becomes a habit. It's something they will know more questions. So it's really important to impart that knowledge. It's also a way every time that activity happens for the teachers, the organizers, to actually talk about the overall importance of sanitation. ये हाथ धोने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी तरह सीख गए हैं। At first, we will wet our hands with water. And then rub our hands with hand wash. Like this. And then rubbing our fingers. And then we will wait. Water. And then we show. हम लोग अगर खाना खाएंगे गंदे हाथ से तो हमारे जो कीटाणु है वो सब पेट में जाएंगे और उससे बीमार पड़ेंगे हम। और हम ऐसे ही वॉशरूम से आकर हमने खाना खाया कुछ भी किसी चीज को मतलब उठा के खा लिया तो उससे भी हम बीमार सकते हैं और इसलिए हम लोगों को हाथ वॉशरूम से आने के बाद भी धोना चाहिए और खाना खाने से पहले भी धोना चाहिए और उसके बाद भी धोना चाहिए। बच्चों को अब ये मालूम हो गया है कि जीवन की बेहतरी स्वच्छता को जीवन में अपनाने में ही छिपी है। मेरा नाम रोशनी है, मैं भी बटरफ्लाई एनजीओ से आई हूँ। चाइल्ड हेल्थ कोऑपरेटिव एक संगठन है और उसमें हम सब बच्चे मिलके स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करते हैं। अगर सफाई रहेगी तो हमारे जिससे लोग बहुत कम बीमार होंगे, जिससे कि हमारा खर्चे बचेंगे या फिर हमारे और सफाई के काम भी आएंगे, जिससे हमारी जो दिल्ली है और जो हमारा भारत है वो और ज्यादा स्वच्छ दिखेगा। ढेर सारे गाँव में खुले में शौच के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को ही होती है। महिलाएं कभी कभी तो बाहर शौच जाने के कारण विवश और बेबस नजर आती हैं। इनमें बहुतों को तो पता ही नहीं होता या फिर कुछ के यहाँ शौचालय नहीं होते। इस कार्यक्रम श्रृंखला में खुले में शौच और गंदगी मुक्त वातावरण निर्माण के प्रति लड़कियों का सार्थक योगदान और उनका उत्साह संभावनाओं के नए द्वार खोलने जैसा है। अगर हम खुले में शौच करेंगे ना, जो रहेगी उसमें मक्खियाँ बैठेंगी और वो मक्खियाँ जो स्ट्रीट के सारे खाने होते हैं उसमें जाकर बैठते हैं, अगर वही हम खाएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए स्ट्रीट में बिल्कुल भी शौच नहीं करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को बताना चाहिए, जो करता उन्हें भी समझाना चाहिए कि स्ट्रीट पर शौच नहीं करना चाहिए, वॉशरूम में शौच करना चाहिए। आज हम युवराज सिंह से और पवन नेगी से मिले, हमने उनके साथ क्रिकेट खेला, हिट जंप्स गेम खेले और हमने उन्हें हैंड वॉशिंग के 5 सही स्टेप्स के बारे में भी बताया। क्रिकेट की रोचकता के बीच स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश के तहत प्रेरक गीत भी बच्चों के बीच लोकप्रिय हैं और बच्चे इसका बेहतरीन उपयोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर हाथों में नाचे सब रंगीला, हाथ से होता है हाथ का साथ, फिर घूम के आगे पीछे खेले हाथ, खेलो 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 उंगलियों में घुसकर, फिर चलाओ नाखूनों का चक्कर चक्कर चक्कर, हाथ करे पानी में क्योंकि साफ हाथ में है दम, देखत है छुप छुप के कोई देखत तो ना है, देखत है छुप छुप के कोई देखत है ना है, अर लोटे का पानी कहीं टपकत तो ना है, अर लोटे का पानी कहीं टपकत तो ना है, बढ़ती जाए है देखो घनी बीमारियां, बढ़ती जाए देखो घनी बीमारियां,
उस पर बैठे मक्खियां बने सवारियां, उस पर बैठे मक्खियां बने सवारियां। अरे सेहत बिगड़ी जाए है कुछ तो जरा सोच, अरे सेहत बिगड़ी जाए है कुछ तो जरा सोच। खुले में ना शौच, 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 खुले में ना शौच। अरे घर में घूंघट काढ़े हैं शौच को बाहर जाए, अरे घर में घूंघट काढ़े हैं शौच को बाहर जाए। ये बहु बेटी की बोलो इज्जत कैसी है, ये बहु बेटी की बोलो इज्जत कैसी है। खुले में ना शौच, 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 खुले में ना शौच। नीचे काकी घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए बढ़िया प्रदर्शन करे, वैसे ही इन बच्चों ने भी संपूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। बाहर शौच नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग जब बाहर शौच करते हैं और उसमें मक्खियां बैठती हैं, वो मक्खी दूषित होकर हम लोगों के खाने पे बैठती हैं और खाने पे बैठती हैं, वही हम खाते हैं और वो हमारे पेट में जाम से चले आते हैं। अपने शौचालय में जाएं और अपना शौचालय स्वच्छ करवाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों के बाद भी लोगों की उत्सुकता स्वच्छता जैसे विषय पर बनी रहे, उसके लिए भी योजना के तहत काम जारी है। That's phase one on a campaign that actually will last for 2 years. So this is only a very first start where we want to make noise, people to join, build a conversation, start a community on the digital platforms. Once this is over, we actually start looking at actions on the ground and take this to state level. So as an example, once the T20 is over, we are starting to have discussions in the state of West Bengal to start working with the schools program to include the action toolkit. To really roll out that program on the ground, and we will be doing that through many other ways where UNICEF is working in the states. विश्व T20 का खुमार हर ओर है, ऐसे में अत्यधिक व्यस्त माहौल के बीच भी स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम अपनी जगह बना ही ले रहे हैं। So during the T20 we're also doing wash clinics with all the participating teams. So wherever we can catch the teams in their busy schedules, they will take out half an hour of their training schedules and be with a group of children, as you've seen with the trophy tour as well.
So we've already done several. We're using this again to communicate this through the media and social media. And we'll continue to do that for the remainder of the T20. We'll try to get as many of the cricket teams and the cricketers to add their voice to join Team Swachh and have that as a strong asset as well. क्रिकेट के सितारों के सहारे स्वच्छता की मुहिम को आगे ले जाने की सोच हो या फिर नए और आधुनिक प्रयोगों के सहारे इसे और लोकप्रिय बनाने की, इन सब के बीच जन भागीदारी सबसे अहम है। We look at children as being one of the most important change agents, but they're not the only ones. So we're really calling up, as I said, everybody to become part of Team Swachh or form their own version of Team Swachh in their village, in their sports club, in their school. So we would also be hoping that we see teams being formed by district collectors, by other celebrities, by sports clubs in the country. मानसिकता में परिवर्तन लाकर ही इस ओर अपेक्षित सफलता हासिल की जा सकती है। To make India totally clean by 2019, of course, needs many parts to make that happen. There's work that is ongoing and needs to happen around the construction of toilets, about the maintenance, making sure actually there are enough toilets. But I think everybody starts to realize that it's really important to talk about the mindset as well and the behavior change that need to happen. Because we can build and we need to build all those toilets in the country, but if people don't see the benefit, if people don't understand why it's important, it's really hard to change a habit that is so out there for everybody. So the behavior change part and to really bring everybody together as a movement to make this happen for us is really important. And that's probably also where UNICEF can bring the biggest contribution to this. Trying to explain to people on a more positive note as well, how important it is for the overall development of the country, for everybody to understand that it's important to change the situation of open defecation in the country. Whether you're very comfortable in your house and you have a toilet that you can use doesn't mean that you shouldn't care. So a lot of it is about getting everybody to care for the same issues and put their voice behind it. Only then, only when it's no longer acceptable that half of India at the moment is not using a toilet, only when that happens, I think the real change can happen. क्रिकेट के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने के इस प्रयास को और भी खेलों तक ले जाने की योजना है। So cricket has been just a start, but we know that there's lots of other sports that are popular in certain parts of the countries, that are more popular in the rural areas. So we're very keen to engage with either kabaddi tournaments as well, be it the football that is rising rapidly as well, and there's definitely states where it's already very popular. So basically anything that brings people together, that motivates people to come together, we'll continue to find linkages and integrate Team Swachh. In the same way that we would like to have celebrities from different parts of sports, different parts of could be culture, could be anything. We're looking for anybody who wants to be an ambassador on Team Swachh. स्वच्छता का ये सफर विश्व T20 के बाद भी जारी रहेगा, बल्कि यूं कहें कि और भी नए कलीवर के साथ आगे बढ़ेगा। हम लोग उसी तरह संदेश दे रहे हैं कि पूरे इंडिया में अगर 125 करोड़ जनता अपना देश, अपना घर, अपना गली, अपना गांव सोच रखेगा तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें मतलब गंदा नहीं कर सकती। वैसे स्वच्छता के बारे में हम लोग हमारे काम के अलावा जहाँ पे हम लोग को टाइम मिलता है वैसे रेलवे स्टेशन रहेगा या कुछ जगह पे जो सोशल प्लेस रहती है वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा बहुत हमारा कॉन्ट्रीब्यूट चालू है। जैसे मॉर्निंग में टाइम मिलता है या इवनिंग में टाइम मिलता है तो हम लोग उतना संदेश दे रहे हैं और टी शर्ट पहन के बहुत सारे को मतलब ये जागृति ला रहे। ऐसे रोचक और अनुपम प्रयासों से एक नई उम्मीद बंधती है कि भारत बहुत जल्द संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। The challenge in itself is so huge, the numbers that need to be changed are so enormous that everybody needs to contribute in a different way. This is not something that
UNICEF could tackle on its own, the government could tackle on its own, or any corporate could. So what is the other piece that's really important is bring everybody together on one platform and make sure that we all play our part where we have our strengths. For UNICEF at the moment, it's the support to Team Swachh beyond the other WASH initiatives that we're doing with the government. तो चलिए हम सब भी एक प्रण लेते हैं कि जब भी कोई खेल खेलें तो उसमें स्वच्छता का संदेश देने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है और हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही ये देश बनेगा स्वच्छ और सुंदर। Hey!